पाप की दीवार कहा जाता है, वो यीशु ने अपना खून देकर दीवार को गिरा दिया। आदम का अदन बाग में टूटा हुआ रिश्ता फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ गया। Adam's broken relationship in Garden of Eden was connected to God again. और हम कहते हैं and we say, और कहते हैं and we say, ले ओ आदमा दोबारा तेरी कदर बढ़ गई है। दुनिया के कुत्ते तेरा हद बन गई है। ले ओ आदमा दोबारा तेरी कल बन गई है। ले ओ आदमा दोबारा एक दूजे नु हाथ में लाके कहो शेक हैंड्स विद द अदर तेरी गल मुक्की टेल देम अगर यीशु अपनी जान ना देता इफ गॉड इन द जीसस डिडंट गिव हिज लाइफ तेरी गल नहीं सी मंगी देन इट वुड बी वेल विद यू अगर यीशु अपना खून ना देते जीसस डिडंट शेड हिज ब्लड तो तू बकरियां दी बलियां चढ़ाते रहना सी तू मुर्गे बलि करते रहना सी तू बाबियां नु बोतलां ही देंदे रहना सी लेकिन जब यीशु आया असि सारे वहमां भरमां चो निकल गए। हम सब वहमो भरमो से बाहर आ गए। अब हम अंधकार में नहीं है। खुदा का कलाम कहता है जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी आपने उस वचन को सुना था कि आदि में In the beginning, वचन था was the word, वचन परमेश्वर के साथ था and the word was with God, और वचन ही परमेश्वर था and the word was God, वो वचन अंधेरे में चमका and that word, मतलब मेरी और आपकी जिंदगी में चमका वो वचन अंधेरे में चमका मतलब मेरी और आपकी जिंदगी में चमका सफल है मेरी जिंदगी में चमका जैसे ही वो वर्ड आया as soon as that word came, मेरी और आपकी जिंदगी रोशनी से भर गई light roshni se bhar gayi it was filled with light aur jab band kare ho to light ka charchi nahi hai to bhai to sare aapke kale ho jana when we turn on the light everyone's gonna turn dark koi bhi aap ek dusre ko nahi dekh payega nobody would be able to see one another ek chhota sa balb one
पूरे कमरे में रोशनी दे देता है. You know, brings light in the whole room. इतना बड़ा परमेश्वर जब आपकी जिंदगी में आ जाएगा, But such big God when he comes into life, तो आपकी जिंदगी बल्लभ के समान नहीं रहेगी. Then your life won't just remain with the bulb. आपकी जिंदगी तो ब्रह्मांड से भी ज्यादा चमकना शुरू हो जाएगी. सूरज जैसी ज्योतियों से बड़ी रोशनी जब आपकी जिंदगी में आ जाएगी, तो आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए चर्च? फिर क्यों ना हम ऐसा करें कि हम उसे कहें थैंक यू जीसस, दोबारा मेरी गल बन गई. रियली क्या करो, दोबारा मेरी गल बन गई है. पंजाबी जी क्या करो, मेरी गल बन गई. तू भरा तेरी तल बन गई है, ले ओ आत्मा तू भरा तेरी तल बन गई है. आपके साथ हूँ. I'm here with you today. दुआ में हमेशा आपके साथ रहूंगा. But in prayer I'll remain with you always. कल मुझे वर्जीनिया जाना है. Tomorrow I have to go to Virginia. और उसके बाद जैसे जैसे प्रभु मुझे जहाँ जहाँ इस्तेमाल करेगा मैं होता जाऊंगा. And wherever God leads me and uses me I'm going to go there. लेकिन मैं आज अपनी पूरी अनंटी यहाँ निकाल के जाना चाहता हूँ. Take out all my anointing over here today. मेरे डैडी जी मुझे एक बात सिखाया करते हैं. My dad teaches me one thing. कि जो अभिषेक है, when there's anointing, it's type of L. वो एक एल की तरह है. एल की तरह है. इट्स लाइक एन एल. कि एल कैसे होता है, ऐसे होता है. यू नो हाउ द एल इज सीधा, उसके बाद लंबा. इट्स स्ट्रेट एंड देन अनॉइंटिंग को हम लेते हैं. व्हेन वी टेक अनॉइंटिंग, और लिखा है कि अगर ज्यादा हो जाए तो मशक फट सकती है. इट सेज व्हेन इट्स इन अबंडेंस देन इट कैन बर्स्ट ओपन. इसलिए अभिषेक को एल का नाम दिया गया. That's why anointing is कि हम परमेश्वर से अभिषेक को लें, then we take anointing from God, उसको छोड़ दें, and then we आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, and then we distribute it, कलीसियाओं के बीच में छोड़ दें, then we leave it, and बीमारों के बीच में छोड़ दें कि वो चंगे हो जाएं, we leave it in this, कमजोरों के बीच में उस anointing को छोड़ दें कि वो तकड़े हो जाएं, परेशानियों के बीच में उस anointing को छोड़ दें कि परेशानियां खुशियों में बदल जाए. यीशु के नाम से कितने विश्वास करते हैं कि वो अभिषेक आपकी परेशानियों को दूर करता है. मैंने पूरी रात प्रार्थना की है. I prayed the whole night, और मैं चाहता हूँ मैंने जितनी प्रार्थना की है the amount of prayer I did, उसका अजर आज आपको मिले. You will receive, परमेश्वर के दास ने जितनी प्रार्थना की है the man of God prayed, उसका अजर आपको मिले. लेकिन उससे पहले But before that, हमें तैयार होना है. We want to prepare ourselves. हमें इस बात को समझना है. And we need to understand this. अगर यीशु ना होता, If Jesus wasn't there, तो हम ना होते. Then we would have been here. उसने आकर And by his हमारा रिश्ता अनॉइंटिंग के साथ जोड़ दिया, परमेश्वर के साथ जोड़ दिया, ट्रांसफॉर्म के साथ जोड़ दिया. जोर से बोले हालेलुया. अब हमें किसी के घर में कुंडी लगाने की जरूरत नहीं है. पंजाब में जब किसी के घर पे बिजली नहीं होती तो वो गुआंटिया नहीं कुंडिया मांगे होंगे. पंजाब में नो इलेक्ट्रिसिटी इन समवन्स हाउस, दे विल गो टू देयर नेबर. मैं थोड़ा धीरे बता देता हूँ.